नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल में। आज का मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच। दो टीमें जो एक ही कश्ती पर सवार है, जो दो टीम्स जिनका डू और डाई मैचेस बाकी है, दो टीम्स जिनके पीछे है करो या मरो की संज्ञा, दो टीम्स जिनको प्लेऑफ में जाना है और वो चौथे पोजिशन के लिए लड़ाई करनी है। ये है आज का मुकाबला और यहाँ राजस्थान पंजाब किंग्स भी आईपीएल में जिंदा है। टेक्निकल अगर आधार पर देखें तो पंजाब किंग्स अगर अपने तीनों मैचेस जीत जाता है तो वो 14 अंकों तक पहुंचेंगे, जो एक बैटल मेट हो सकता है। तो अब हम वही करते हैं जो करने के लिए हम यहाँ पर हैं। तो आज हम प्रीव्यू करने के लिए आ चुके हैं आप लोगों के साथ पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के लिए। तो देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 मैचेस जीतने हैं, 3 बाकी हैं अभी उनके लिए। 11 मैचेस, 5 जीत 6 हार कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए। यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स अगर ये मैच जीत जाता है तो अगले दोनों गेम्स भी उन्हें जीतने जरूरी होते हैं। पर चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट्स टेबल की हालत कुछ ऐसी है कि अब चौथे जो पोजिशन है उसके लिए धीरे धीरे राइवलरी थोड़ी कम हो रही है। यानी आप मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स रेस में बने हुए हैं, साथ ही साथ पीछे से पंजाब है रेस में, बट राजस्थान और हैदराबाद की टीम्स जो है अब वो रेस से एलिमिनेट हो गई है। तो यहाँ पर क्या सीन बन जाता है कि अब यहाँ पे पंजाब किंग्स की टीम को आना है वापस, और पंजाब किंग्स को यहाँ पे आज अगर वो मैच जीतेंगे तो ही आगे वो रेस में 14 पॉइंट्स, रेस टू 14 की रेस में बने रहेंगे। वहां मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के पास चांस है कि वो अभी भी 16 अंकों तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए आज का मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रीस्टार्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, वी ऑल हैव सीन दैट, और हम एक्साइटेड हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के इस तरह के परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो इसी वजह से हम यहाँ पर आ चुके हैं आपके साथ और अब हम कर रहे हैं शो। तो कोलकाता नाइट राइडर्स जब डाउन एंड आउट थे तब आरसीबी वाला वो पहला मैच आया जहां पे उन्होंने 92 पे आरसीबी को रोक दिया, और उसके बाद 93 का लक्ष्य 10 ओवर में चेस कर लिया। उसके बाद से कोलकाता नाइट राइडर्स का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है, वो लगभग सीएसके को भी हरा ही चुके थे। उसके बाद एक जबरदस्त और एक जीत इनको मिली थी, दूसरी मुंबई इंडियंस को उन्होंने हराया आरसीबी के बाद, बहुत बड़ी जीत थी वो, एक तरफा मैच जीते, लगभग सीएसके को हरा ही दिया था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने हराया दिल्ली कैपिटल्स को। तो 4 गेम्स दे प्लेड, 3 दे हैव वॉन। यहाँ पर आप आते हैं तो ओवरऑल अब देखो तो कोलकाता नाइट राइडर्स 10 अंकों पे है, 4 मैचेस बचे हैं, 3 उनको जीतने हैं, तो यानी एक वो हार सकते हैं। यानी आज का अगर हार भी जाते हैं तो रेस टू 16 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी पंजाब किंग्स के लिए आज का मैच अस्तित्व वाला मुकाबला है, स्पेशली दैट लॉस अगेंस्ट मुंबई। उसके बाद से पंजाब किंग्स को यहाँ पर डू और डाई मैचेस है और अब उनको लगातार जीतना जरूरी है। तो यहाँ पे पंजाब किंग्स की टीम क्या हो सकती है आज के प्लेइंग 11 पे? तो देखिए, मेरे हिसाब से आज पंजाब किंग्स को वही करना है जो उन्होंने लगभग हैदराबाद वाले गेम में किया था, कि पिचेस अभी दुबई में थोड़ी स्लो नजर आ रही है, वी आर सीइंग लो स्कोरिंग गेम, 170 हार्डली मुश्किल होता है बनाना। वही चीज है जिस तरह से बैक टू द बेसिक्स, फोकस ऑन द बेसिक्स, आप बेसिक्स पे फोकस करोगे तो आप आराम से मैच जीत सकते हो। यही चीजें हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है आपके दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 में क्या हो सकती है। तो देखो, कोलकाता नाइट राइडर्स तो देखिए बहुत ज्यादा जबरदस्त फॉर्म में है और उन्हें कुछ बदलने की जरूरत है नहीं। अब आंड्रे रसल अगर वापस आ जाएंगे तो बेहतर होगा, लेकिन अगर आपके पास आंड्रे रसल भी नहीं आ पाता है तो आप यू कैन गो विद बेन कटिंग ऑल्सो अगर आप चाहो तो, और या आप ये भी कर सकते हो कि बेन कटिंग इफ इज नॉट अवेलेबल, आप रसल अगर फिट है तो आप रसल के साथ जा सकते हो, और रसल नहीं है तो आप टिम साउदी को हटा के बेन कटिंग को ले सकते हो। हालांकि टिम साउदी ने ऑनेस्टली स्पीकिंग खराब परफॉर्मेंस किया नहीं है, लेकिन बेन कटिंग भी ईगरली वेटिंग फॉर हिज अपॉर्चुनिटी। तो टीम देखे बहुत सेटल नजर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की, अचानक से क्या जबरदस्त फॉर्म उन्होंने पकड़ लिया है, वेंकटेश वेंकटेश वेंकटेश, हर जगह पर हमें यही नाम दिख रहा है, बॉलिंग से हो या बैटिंग से हो, इस खिलाड़ी ने बहुत प्रभावित किया है और दोनों ही डिपार्टमेंट में अपना परफॉर्मेंस का जो है लोहा इस खिलाड़ी ने मनवाया है। तो इसीलिए यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है एक
एडवांटेज मिल चुका है, क्योंकि देखिए वो जो एक्स फैक्टर प्लेयर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जिसका अच्छा दिन हो वो अपना पूरा एक तरफा निकाल ले, अभी एक एक्स फैक्टर वाली चीज है हमको यहाँ पे वेंकटेश अय्यर में दिखती है, जब उनका दिन होता है तो मैच वो एक तरफा निकाल लेते हैं, वही बात है। और वी होप कि वेंकटेश अय्यर फ्यूचर में और स्ट्राइक्स करते हुए नजर आए और इंडियन टीम में भी उनको खेलने का मौका मिले, क्योंकि एक यंगस्टर इज इन द राइज। मजा आ रहा है वेंकटेश अय्यर का परफॉर्मेंस, धीरे धीरे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं और आगे हम बात करते हैं क्विकली टू रैप अप द थिंग्स यहाँ पे प्रेडिक्शंस की। तो प्रेडिक्शन में आज अगर जो भी टीम टॉस जीतती तो मुझे लगता है कि वो करेंगे बॉलिंग ऑनेस्टली, क्योंकि अब विच वही हो चुका है, विन द टॉस बोल फर्स्ट रिस्ट्रिक्ट द टीम एंड गेट द चेस, बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन वही हो रहा है कि टारगेट अगर आप सेटल्ड होते हो तो आप न्यू बॉल से अटैक कर देते हो, क्योंकि नई बॉल से बैटिंग करना इजी होता है और फिर जैसे जैसे गेंद पुरानी हो जाती है बैटिंग करना टफ हो जाता है। वही सीन है, वही यहाँ पे रहेगा भी। देखना है हम आज क्या अच्छा मैच देख पाते हैं या नहीं। उम्मीद है कि बहुत अच्छा और थ्रिलिंग मैच देखने मिलेगा, क्योंकि दो तीन लगातार एक तरफा मैच हो चुके हैं तो टूर्नामेंट में उतना कुछ मजा आ नहीं रहा है। अगर एक थ्रिलिंग मैच आएगा तो कल आपके साथ उसका रिव्यू शो भी हम लेकर आएंगे। तो यही थी आज की बातें प्रेडिक्शन में। आखिरी में जाते जाते बोल देता हूँ कि कौन सी टीम आज जीत सकती है, तो आज चांसेस हाई लग रहे हैं कि पंजाब किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दे, क्योंकि एक डाउनफॉल वेट कर रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स का। आई डोंट नो, मैं नहीं चाहता कि वो डाउनफॉल आए, बट देखिए एक वेट कर रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू बी सेइंग दैट, बट ऑनेस्टली कोलकाता बहुत अच्छा खेल रही है और वी आर होपिंग कि वो इसी तरह से खेलते रहे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।